स्वागत है आपका द हिमालयन स्टेट यूट्यूब चैनल पर। हम आशीष कुमार स्तुगी आज आपके सामने हम लेटेस्ट न्यूज लेकर आए हैं। प्राथमिक विद्यालयों में 50,000 पद उत्तर प्रदेश में रिक्त हैं, और इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखें, तभी आपको ये जानकारी मिल पाएगी। और आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, आपके सामने लिखा है, प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने का सपना देख रहे विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है। यानी कि उत्तर प्रदेश में लगभग 50,000 पद वर्तमान संदर्भ में रिक्त हैं। और इसके बाद लिखा है, यूपी सरकार 2021 में 50,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी। ये बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज है आपकी। अगर आपका सपना है प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बनने का, तो अपनी तैयारी प्रारंभ कर दें आप लोग। और इसके बाद लिखा है कि शिक्षा विभाग ने कवायद शुरू कर दी है, यानी कि जल्द ही इसमें प्रक्रिया शुरू हो रही है। बहुत तेज़ी से काम चल रहा है इसमें कि 50,000 वैकेंसियाँ आपको जल्द ही 2021 में देखने को मिलेंगी। और इसके बाद लिखा है, 69,000 भर्ती लगभग पूरी हो चुकी है, इसके बाद भी प्राथमिक विद्यालयों में 50,000 पद रिक्त हैं। ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जिन्होंने टेट की परीक्षा पास कर रखी है। और अगर आपने टेट की परीक्षा नहीं भी पास की है, तो जल्द ही आपकी 2021 में टेट की परीक्षा होगी, उस परीक्षा को आप लोग पास कर लें, तभी आपके लिए ये भर्ती प्रक्रिया, यानी कि एक तरीके से आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस भर्ती प्रक्रिया के लिए। और इसके बाद है, यूपी टेट 2021 के तुरंत बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खुशखबरी है। अगर आपने सी टेट की परीक्षा पास कर रखी है या फिर यूपी टेट, दोनों में से कोई भी अगर आपके पास सर्टिफिकेट है यूपी टेट का या फिर सी टेट का, तो आप इसके लिए 50,000 वैकेंसियों के लिए वैलिड हैं। और अगर आपने यूपी टेट और सी टेट की परीक्षा पास नहीं की है, तो जल्द ही आप इस परीक्षा को पास कर लें 2021 की, यानी कि यूपी टेट भी आपका जल्द होने वाला है। और इसमें अपने आप स्कोर बढ़ाइए, जितने आपके नंबर होंगे, हो सकता है इसमें कुछ पैटर्न चेंज भी हो जाए, क्योंकि नई शिक्षा नीति के अनुसार कि यूपी टेट और सी टेट में, यानी कि जिसके हाईएस्ट नंबर होंगे उसका भी सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन अभी ये बात क्लियर नहीं हो पाई है। हो सकता है ये पुरानी प्रक्रिया के आधार पर आपकी भर्ती प्रक्रिया हो। तो ये सही पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं अगर आपका सपना है प्राथमिक विद्यालय में सरकारी शिक्षक बनने का। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि 69,000 जो भर्ती प्रक्रिया है, यह लगभग पूर्ण रूप से हो चुकी है। और इसके बाद लगभग जो जानकारी मिली है, उसमें ये पता चला है कि 50,000 पद वर्तमान संदर्भ में यानी कि रिक्त हैं। और इसमें अपनी आप तैयारी प्रारंभ कर दें हैं, जिनके पास यूपी टेट का सर्टिफिकेट है या सी टेट है, और जिनका अभी यूपी टेट नहीं है, वह अपनी यूपी टेट की तैयारी करें और साथ में सी टेट की तैयारी भी प्रारंभ कर दें आप लोग। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी चैनल के माध्यम से आपको अपडेट मिलती रहेगी आगे भी। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।